नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा एंड आई होप आप ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ कोरोना चल रहा है वहाँ पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना और अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विटिलिगो के बारे में और विटिलिगो से जुड़े मिथ्स के बारे में। मिथ्स मीन्स कि जो मानना है लोगों का या विटिलिगो में जो सुनते आए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि वो गलत है, आज की साइंटिफिक फैक्ट्स को रिलेट नहीं करते हैं और मैच नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हम मिथ्स या थोड़ी सी गलत बातें जानेंगे जो एक्चुअली विटिलिगो के लिए होती नहीं है, बट जो सुनते आए हैं, जो चलता आया है, लोग उसे सुनते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे अपनी बीमारी को सीरियसली ले लेते हैं। तो पहला जो मिथ होता है विटिलिगो के बारे में वो ये होता है कि विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और हम बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। हालांकि विटिलिगो जो असली फैक्ट है, विटिलिगो होता है तो आपके बैड फूड्स एंड हैबिट्स से होता है, यानी कि आपके जो बेकार आहार विहार हैं लाइफस्टाइल में उनसे उत्पन्न होता है या ओरिजिनेट होता है, उसकी स्टार्टिंग हो सकती है। अब जैसे जो आपके आहार विहार होते हैं गलत, वो क्या होते हैं, आपने मच्छी खाया, दूध पी लिया, आपने कोई खट्टी चीज़ खाई, उस पर कोई आइसक्रीम खा ली या उस पर दूध पी लिया, तो ऐसी जो हैबिट्स होती हैं, आप एकदम पसीने में हैं, आप घर पे आए और आपने पानी पी लिया, तो ऐसी जो हैबिट्स होती हैं आपकी लाइफस्टाइल में वो आपको विटिलिगो ओरिजिनेट करके दे देती है। लेकिन एक बार विटिलिगो होने के बाद, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो एक बार विटिलिगो होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप थोड़े बहुत खट्टे फ्रूट्स खाते रहेंगे, एक टाइम पे फ्रूट्स ही खा रहे हैं, उसके आगे पीछे कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं या ऐसा कोई मिस कॉम्बिनेशन नहीं खा रहे हैं खाने का, तो ये नहीं बढ़ेगा और ये नहीं होगा। मैंने अपने कमेंट सेक्शंस भी देखे हैं तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी फूड्स को लेकर विटिलिगो के बारे में कि आपको खट्टा नहीं खाना है या खट्टा आप खा सकते हैं, उसमें एक थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैं वही कन्फ्यूजन क्लियर कर रही हूँ कि अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल रखते हैं और फूड हैबिट्स रखते हैं और अपने आहार विहार रखते हैं तो ये उत्पन्न ज़रूर हो जाता है, लेकिन एक बार उत्पन्न होने के बाद अगर आप अपनी यही हैबिट्स ठीक कर लें और एक टाइम पर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स में चाहे कुछ भी खा रहे हैं, तो वो आपके विटिलिगो को इफेक्ट नहीं करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि खट्टी चीज़ों के बाद एकदम डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है और फिश, चिकन, एग तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एक बार विटिलिगो हो जाता है तो ये चीज़ें हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में, तो आज मैं ये क्लियर कर रही हूँ। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं खाने में वो वेरी कर जाती हैं ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट। जैसे वीडियोस जनरली बनाई जाती हैं, लेकिन जब आप किसी का ट्रीटमेंट लेते हैं, अलग पैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस बदल जाते हैं। होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस होता ही नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि खट्टा खाने से जनरली हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है और विटिलिगो पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादातर होती है, तो हड्डियों में दर्द बना रहता है, खट्टा खाने से वो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए ये चीज़ें खाने से मना करी जाती हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और साथ ही में अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है और आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसकी वजह से विटिलिगो भी हो रहा है, तो ये चीज़ें हम मना करते हैं खाने से, क्योंकि उससे आपका दर्द बढ़ जाता है। इसलिए पेशेंट्स जनरली सारी चीज़ें फॉलो हर पेशेंट नहीं करता, कहीं ना कहीं वो लापरवाही कर ही देते हैं, तो हम कम्प्लीटली मना कर देते हैं कि आप ये मत ही खाइए। अगर हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये हफ्ते में दो बार खा सकते हैं, तो वो अपनी मर्जी से कभी भी रैंडमली खा लेंगे, तो इसलिए हम कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि हाँ जी आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। क्योंकि विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप और समझना चाहते हैं तो आप बुक्स पढ़िए या आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। इससे आपका विटिलिगो नहीं बढ़ता है, आपको बस अपनी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स ठीक करनी है, उन्हें सुधारना है। नेक्स्ट जो एक मिथ होता है, ये भी बहुत कॉमन मिथ होता है विटिलिगो के बारे में कि कोई भी सफ़ेद दाग हो गया अगर तो वो विटिलिगो है। नहीं, ऐसा नहीं है। विटिलिगो एक कम्प्लीटली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई भी सफ़ेद दाग किसी भी बीमारी में हो सकता है और विटिलिगो
अगर आपको पहले से कोई स्किन कैंसर है, एल्बिनिज्म है, लेप्रोसी रहा है, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही है, या आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या अक्सर मैंने पेशेंट्स में हिस्ट्री में देखा है कि किसी मेजर सर्जरी के बाद उनको साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन से भी ल्यूकोडर्मा डेवलप हो गया या वाइट पैच डेवलप हो गया, तो दैट डजंट मीन कि वो विटिलिगो है. विटिलिगो और भी बीमारियों के अंडर हो सकता है. विटिलिगो सेपरेटली भी बिना किसी बीमारी के भी हो सकता है. तो विटिलिगो बेसिकली एक अलग से ही अपने आप में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. जब आपके मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं और अपनी ही बॉडी को अटैक कर रहे होते हैं, बॉडी सेल्स को अटैक कर रहे होते हैं, तो आपके स्किन पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है. नेक्स्ट जो मिथ होता है विटिलिगो के बारे में वो ये होता है कि विटिलिगो जो हो रहा है वो हो सकता है कि एल्बिनिज्म हो या लेप्रोसी हो या स्किन कैंसर हो, उसमें विटिलिगो डेवलप हो रहा है. हालांकि ये चीज़ कभी कभार कुछ रेयरली पेशेंट्स में देखी जाती है कि अगर आपको कोई और डिसऑर्डर है तो विटिलिगो भी डेवलप हो रहा है, लेकिन विटिलिगो एक सेपरेटली अलग डिसीज़ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. ये किसी के साथ हो रहा है तो उसका डायग्नोसिस अलग हो जाता है. सपोज़ किसी पेशेंट को स्किन कैंसर है या लेप्रोसी है या एल्बिनिज्म है, दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट डिसीज़, और विटिलिगो एक कम्प्लीट डिफरेंट डिसीज़ है. ये सिर्फ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में ही आएगी जिसमें आपका मेलानिन प्रोडक्शन नहीं अच्छे से हो रहा है. तो इट्स नॉट दैट कि अगर आपको सफ़ेद दाग है तो वो विटिलिगो ही है. वो कुछ भी हो सकता है, वो ल्यूकोडर्मा भी हो सकता है, नॉर्मल कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, या मैं पेशेंट्स में देखती हूँ हिस्ट्री पाई जाती है कि मेजर सर्जरी के बाद भी अक्सर पेशेंट में सफ़ेद दाग डेवलप हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन या स्टीरॉयड, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ उस स्किन पे अगर कोई स्किन नहीं आ रही है तो वहाँ पे भी वो पोर्शन वाइट रह जाता है. तो दैट डजंट मीन कि वो विटिलिगो है, दैट्स कम अंडर ल्यूकोडर्मा या दैट्स कम अंडर सम डिफरेंट अदर रीजंस. लेकिन विटिलिगो अगर हो रहा है तो वो सिर्फ विटिलिगो है, ना कि कोई और डिसीज़ के रहते वो हो रहा है. वो एक अपने आप में कम्प्लीट डिसऑर्डर है, डिसीज़ है. तो नेक्स्ट जो मिथ होता है वो होता है पेशेंट्स में या लोगों में कि विटिलिगो ज़्यादातर डार्क कलर्ड लोगों को होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. विटिलिगो किसी से पूछ के नहीं होता या किसी को देख के नहीं होता कि आप डार्क स्किन्ड हो या आप वाइट स्किन्ड हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप सांवले हो तो हम आपको होंगे. नहीं, विटिलिगो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो डार्क है, चाहे वो सांवला है, चाहे वो गोरा है, क्योंकि इसका होने का फिनोमेना एकदम अलग है. आपकी ऑटोइम्यूनिटी वीक हो रही है, आपके खुद के बॉडी सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो पिगमेंटेशन आ रही है. ये किसी से पूछ के या किसी को बता के नहीं होता है. नेक्स्ट जो विटिलिगो के बारे में मुझे जो बात बोलनी है वो यही होती है कि सफ़ेद दाग, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आई नो ये थोड़ा सा सोशली, मेंटली, फिज़िकली एम्बैरेसमेंट होता है. आप उठने बैठने में, अपने आप को देखने में उतना अच्छा फील नहीं कर पाते हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं. हम आपका गुड फूड एंड हैबिट से, आपके लाइफस्टाइल से, मेडिकेशन से, जहाँ पे प्रॉपरली आपको अंदर से ट्रीटमेंट मिलता है, आपके बाहर से दाग कम करे जाते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल है, इसको ठीक करा जा सकता है. तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. विटिलिगो को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसका डायग्नोसिस ज़रूरी है कि क्या ये सच में विटिलिगो है या ये किसी वजह से भी आपको सफ़ेद दाग हो रहा है, ल्यूकोडर्मा है, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी डिसीज़ या डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी रीज़न की वजह से सफ़ेद दाग आ सकता है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या ये सच में विटिलिगो है. तो जब ये पता चल जाता है कि ये सच में विटिलिगो है, या ये पता चल जाता है कि ये सफ़ेद दाग किस वजह से हो रहा है, तो आपके वो दाग ठीक हो सकते हैं. और विटिलिगो अपने आप में कंप्लीट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. इसका इन सारी बातों से जो आप अपने बड़ों से सुनते आए हैं, जो आप पहले से सुनते आए हैं, उनसे खास रिलेशन होता नहीं है. अगर आप नॉर्मली विटिलिगो अगर आपको है और आप मिसमैच कॉम्बिनेशंस नहीं खा रहे हैं, आप एक टाइम पे आप फ्रूट ले रहे हैं, उससे पहले आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं लिया, उसके बाद कोई आपने डेयरी प्रोडक्ट नहीं लिया, और आप नॉर्मल चीज़ें खा रहे हैं, कभी कभार खा रहे हैं, पूरा दिन नहीं खा रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खा रहे हैं, तो विटिलिगो पे कोई असर नहीं पड़ेगा. और अगर साथ में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है या थायराइडिज्म होता है, ऐसी कोई डिसऑर्डर हार्मोनल इंबैलेंस का जुड़ जाता है,
विटिलिगो के साथ या ऐसी कोई रीज़न जुड़ जाती है, एक और रीज़न जुड़ जाती है, तो वहाँ पर फूड रेगुलेशन मैटर करता है। और फूड रेगुलेशन वहाँ मैटर करता है जहाँ पर ट्रीटमेंट की बात आती है। तो ट्रीटमेंट अपने अपने तरीके से करा जाता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ज़्यादातर खट्टी चीज़ें अवॉइड हम हर ट्रीटमेंट में ही बोलते हैं, क्योंकि जनरली खट्टी चीज़ों से बॉडी में स्वेलिंग, जॉइंट पेन, अक्सर मुझे भी फील होता है जब मैं बहुत खट्टा खा लूँ। तो इट डजंट मीन कि हम आपको कुछ गलत गाइड कर रहे हैं या गलत सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब आपके वेलबींग होने के लिए है। और आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, अगर आपको सफ़ेद दाग है, चाहे वो विटिलिगो है या वो कुछ और है, ल्यूकोडर्मा है या कोई भी रीज़न की वजह से दाग है, तो आप हमें अपनी इमेजेस भेजिए इस नंबर पे, मेरे डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें और एक सही ट्रीटमेंट, सही डायग्नोसिस और सही राय लें। और इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट रहिए और एक्सेप्ट करिए अपने आप को आप जैसे हैं। तो आई नो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे अपने आप को आप हैं, तो आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका ट्रीटमेंट पॉजिटिवली चलता है और आप ठीक भी होते हैं जब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है खुद को लेके। सो टेक केयर, हमें आप फोटोज़ भेजिए, हमें आप कॉल करिए और अपने सफ़ेद दाग को ठीक करिए। आई होप इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन को क्लियर करने की। और आप अपना ध्यान रखिए एंड बी सेफ, बी हेल्दी, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू एंड टेक केयर।